हेलो स्टूडेंट्स, हाउ इज़ यू ऑल। आई होप आप सभी स्वस्थ हो और खूब मन से पढ़ाई कर रहे हो। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू लर्न अ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को कैसे लर्न करते हैं, तो आपने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग कुछ बेसिक चीज़ें, जो कॉमन थिंग्स दैट यू हैव टू नो, वो पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, जो पीरियोडिक टेबल है वो फोर पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपने ये याद रखना है, सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल है इट गेट क्लासिफाइड इनटू फोर ब्लॉक्स, दैट इज़ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। जो एस ब्लॉक है एस ब्लॉक है, इसमें सारे क्या हैं, मेटल्स। जो पी ब्लॉक है इसमें है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। जो डी ब्लॉक है इसे बोलते हैं हम ट्रांजिशन मेटल। जो एफ ब्लॉक है इसे बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन मेटल, जिसमें से आपको मैक्सिमम जो एलिमेंट हैं वो रेडियो एक्टिव मिलेंगे, रेडियो एक्टिव नेचर के मिलेंगे। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्ट विद एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं, सी आपको बुक में ये ब्लू कलर में, ब्लू प्रिंट में दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लू प्रिंट में आपको ब्लॉक दिया हुआ है, दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट, हाइड्रोजन, लिथियम। अब इन्हें लर्न कैसे करना है, आपने लर्न करने के लिए जो फर्स्ट लाइन है उसे याद रखो। फर्स्ट टू लाइंस को लर्न करने का पैटर्न है, हाय लियाई ना कदे रब्बा सीजियम फ्रांस, देख लो, हाय लियाई ना कदे रब्बा सीजियम फ्रांस। नेक्स्ट, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है जी, ये टू लाइंस को लर्न करने का, फर्स्ट टू लाइंस को लर्न करने का पैटर्न है। ये हो गया हमारा एस ब्लॉक। अब मैं बताने जा रही हूँ हाउ टू लर्न पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक को कैसे लर्न करोगे, ये है हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट जो है ये हमारे पास ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक चलता है। इसे लर्न करने का पैटर्न क्या है, अब ये देखिए, इसे लर्न करने के लिए फर्स्ट लाइन जो ग्रुप नंबर 13 है, बाबा अली गए इंडिया थाईलैंड, बाबा अली गए इंडिया थाईलैंड। तो अब नाम आपने लर्न करने, बाबा से बोरोन है, अली से अल्मीनियम है, गए से गेलियम है, इंडिया से इंडियम है, थाईलैंड से थेलियम है। नेक्स्ट लाइन को लिए, कज़न सिस गए सन पंजाब, कज़न सिस गए द जी ई सन द एस एन पंजाब पी बी, पी बी पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, ना पी ऐसे शराब बिहारी, ना पी ऐसे शराब बिहारी। ठीक है जी, बिहार का सिंबल आ गया बी आई, शराब एस बी। आगे उसके बाद फिर है, उस से टेपो, ऊ स से टेपो। नेक्स्ट, फूल कलियां बहार इन ऑस्ट्रेलिया,
फूल कलियां बहार इन ए एस ऑस्ट्रेलिया। आगे, हुमायूं ने औरंगजेब के एक्सरे करवाए, तो हुमायूं का ये रहा सिंबल एच ई। हुमायूं ने औरंगजेब के ए आर के एक्सरे करवाए। ये है हमारा पूरे का पूरा जो है एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है जी। एस ब्लॉक एलिमेंट में अब आपको ये सबसे बड़ी देखिए, आपको ये लाइन दिख रही है जो सेग्रेगेट कर रही है इन दोनों को, तो ये लाइन के जो नीचे सारे आ रहे हैं ये वाले, ये लाइन के बाद ये जो सारे आ रहे हैं, ये सारे हमारे पास क्या हैं, ये सारे मेटल हैं। इस लाइन के ऊपर ऊपर जो जा रहे हैं ये सारे हमारे पास क्या हैं, नॉन मेटल हैं। इसकी पार्टीशन ऐसे की हुई है, मेटल और नॉन मेटल दोनों एक साथ ही हैं। और जो हमारे पास ग्रुप नंबर लास्ट है ये वाला, तो इसमें सारे क्या हैं, नोबल गैसेज हैं, जिन्हें हम नॉन रिएक्टिव गैसेज भी बोलते हैं, ये सारी नोबल गैसेज हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी ब्लॉक ये जो है हमारे पास, ये डी ब्लॉक है सेंटर में जो रहा, ये डी ब्लॉक है। और ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये हमारा एफ ब्लॉक है, जिसे पीरियोडिक टेबल में देखिए ऐसे खोल के लिखा हुआ है ये वाला नीचे, ये सारा एफ ब्लॉक है। और ये हमारा डी ब्लॉक, पहले मैं ये जो फर्स्ट टू लाइन्स हैं इनको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, आपने कैसे लर्न करना है। सक टी वी कर मन फी को नी कु जन, इसे लर्न करने का मेथड यही है कि आप फर्स्ट फर्स्ट सिंबल से नाम बना लें। नेक्स्ट है य जर नभ मो टक रू रह पढ़ अग कड। तो ये स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, ये है यट्रियम जिरकोनियम नुबीडियम मोलिबिडमन टेक्नीटियम रुहुडियम आर हाँ ये है आर यू रुथीनियम रोहोडियम पैलेडियम सिल्वर कैडमियम। तो आज हमने बात की हाउ टू लर्न एस ब्लॉक पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दीज ब्लॉक्स देन फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू।